तो मैं बता दूँ जो 2 दिन की जो धूप आई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी सामान बनाते थे उसमें चाहिए होता है मुझे कद्दू। आप चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आ जाए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कहते हैं आप सब, आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8। यू कांट बिलीव कि इतनी गर्मी हो रही है ना सुबह, मतलब मैं नहा के निकली हूँ, पसीना देखो ये पसीना है। और देखो टाइम की तरह 7:07, मतलब ये 5 मिनट आ गए तो 8:03 हो रहा है। सोचिए ज़रा इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी। और मेरा आज सुबह 8 बजे ही सारा काम निपट चुका है, बस अभी कपड़े रह गए ठीक है जो कि वॉश हो रहे हैं, थोड़ी देर में ये भी हो जाएंगे। 24 मिनट का है अभी, तो मैं खाली वॉश करूँगी फिर निकाल दूँगी, फिर इसमें सुखाती नहीं हूँ, खाली धोती रहती बस, तो खगा लूँगी अंदर पानी में ठीक है। तो नहाया धोया सब कुछ काम हम निपटा लिया, तनु लोग जा चुके हैं स्कूल, अमित के हैं ऑफिस, मेरे रह गए बस ब्रेकफास्ट। पर इतनी सुबह मुझे भी भूख नहीं है, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी अपने रोटी। फ्रेंड्स मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है कि क्या बताऊँ मैं, पर इन गेहूँ की वजह से ना मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इधर तो धूप है ना पर उधर से काले काले बादल आने लगे, फिर पता नहीं कब बारिश आ जाए करके इतनी भयंकर नींद आ रही है। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि कल रात इतनी गर्मी हुई ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई और हम लोग को बिल्कुल नींद नहीं आई। अमित भी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सो नहीं पाया, मैं भी बिल्कुल सो नहीं पाया, हाथ में दर्द अलग हो रहा है मेरे, कल वो बाइसेप्स मार रखे तो इतना दर्द कर रहा है और कमर दर्द होने लग गई। मैंने बैट उठा के इधर खसका दिया, आज उधर से गैप कर रखा है, देखो वो गैप कर दिया उधर साइड को, तो भयंकर दर्द हो रहा है कमर में भी। और मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर लेट जाऊँ करके, उठने का भी मन नहीं कर रहा, इतना दर्द हो रहा है। इन गेहूँ की वजह से मेरा नींद भी नहीं हो पा रही है, सूख जाते तो मैं दे आती इसे चक्की पर। अब 12 बजने वाला है, पता नहीं क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तनु आजकल खा ही नहीं रही, मैं अगर जिस दिन रोटी बना दे रही हूँ ना उस दिन तो वो चख भी नहीं रही, मुँह में डाल ही नहीं है, तो मैं सोचूँ उसके लिए भात बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो खाना नहीं खाएगी। सो फ्रेंड्स जा रही हूँ मैं तनवी को लेने के लिए स्कूल, कभी छाता लेकर आओ, कभी कुछ धूप आ जाती है कभी नहीं आ रही, एंड गेहूँ का मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि देखो ज़रा कैसे बादल आ गए, और कभी बरस जाए ना कोई गारंटी नहीं है ठीक है। सो गाइस तनवी आ चुकी है स्कूल से, एंड अभी खाना वाना बनाने का कुछ सीन आपको पता ही, मैंने कैसा था खाना क्या बनाना था मैंने, उसको रोटी नहीं खाती तो मैंने कहा चावल ही बना देती हूँ, चावल बनाए और यहाँ पर बना रही हूँ मैं लेमन राइस ठीक है। तो चावल बना के इस तरीके से टमाटर वमाटर कहीं पत्ता डाल के प्याज वगैरह डाल के जैसे पोहा बनाते हैं, तो फिर ये मैंने छौंक दिया है, अब इसमें डालते हैं ऊपर से नींबू, यहाँ पे खीरे कट कर रखे हैं और अब हम खाएंगे लेमन राइस। तो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं, मैं सो रही थी, मैं अभी जस्ट उठी हूँ जिम जाने के लिए, और जैसे ही उठी वैसे देख रही हूँ कि बाहर हो रही है बारिश मस्त तेज़ आ रही, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई ना अंदर, गाइस उमस हो चुकी है, बारिश बहुत ज़रूरी है, तो अब क्या करूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, धीरे थोड़ा धीरे होगी तो जाऊँगी, नहीं होगी तो नहीं जाऊँगी। क्या ख़तरनाक बारिश होने लग गई है, मैंने सुना था हल्की होगी तो जिम जाऊँगी, यहाँ देखो ज़रा मतलब बाहर आने वाली हो गई है ख़तरनाक। सो गाइस क्या मेरा जिम जाना कैंसिल हुआ फिलहाल, तो हाँ क्योंकि इतनी बारिश है तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि नाला आ जाता है पता है, तड़ियाल जो पूरा भर जाता है पानी से, और वैसे ही बाढ़ में तो मैं बिल्कुल कतई नहीं जाऊँगी इतना गंदा पानी में मस्त। तो अभी मन तो मन अभी तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बस इस बारिश में नहा लें, बीमार हो जाऊँगी ना इसलिए नहीं नहा रही, अगर दिन में हुई होती तो नहा लेती, अब शाम की बारिश में तो बीमार होने का डर है। तो मैं बता दूँ जो 2 दिन की जो धूप आई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गेहूँ सूखने के लिए आई थी। आप चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ आ जाए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो भैया गेहूँ सूख गए हैं, आज पिसने के लिए दे रहे थे पर आप आज तो नहीं जा पाएंगे, कल अगर धूप आएगी तो कल दे आऊँगी, नहीं तो फिर संडे के दिन जब छुट्टी होगी तो गाड़ी में जाके दे आएंगे हम, वो संडे को चक्की बंद रहती है, फिर क्या होगा कल देना पड़ेगा। हाँ मस्त तो एकदम बारिश हो रही है, ठंडा हो जाएगा। तो गाइस तनवी सोई है एंड मेरे को लग रही है बहुत तेज धूप, दिन में मैंने थोड़ा सा राइस खाया पर अभी बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही है, मेरा हो गया है वर्कआउट और जिम जाना कैंसिल। अब जिम नहीं जा रही तो घर में बैठे बैठे क्या करूँ, भूख लगने लगी, तो भूख लगी तो मैंने जो दिन के मेरे बच्चे हुए राइस थे वही खा रही हूँ ठीक है, वेस्ट नहीं करते। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो वो, देखो ज़रा भाई साहब क्या गजब बारिश हो रही है, यहाँ मैंने विंडो बंद कर दिए क्योंकि पूरा पानी पानी हो रहा था अंदर आ रहा था, और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी तिरछी बारिश हो रही है एकदम,
मेरा बच्चा सोया हुआ है। तो गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं एंड बारिश लगातार अभी तक बनी हुई है, तो मैंने सोचा क्या करूँ, तम्मी सोई है तब तक, तो मैंने सोचा तब तक सब्जी वब्जी बना लेते हैं, फिर जब उठेगी तो पढ़ाने के लिए ठीक हो जाएगा कि सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा, तो किचन में जाओ बार बार ये करो वो करो। तो मैं सोची थी सांभर बना लेती हूँ और रोटी बना लेंगे। तो सांभर के लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अरहर की दाल भिगाने के लिए रख दी है, थोड़ी सी कांटों में कद्दू, मतलब करीब एक मुट्ठी कद्दू है और एक ही मुट्ठी मैं इसमें से लौकी लूँगी, बाकी कद्दू रख देती हूँ। तो आधा कद्दू मैंने बना दिया था, आधा कद्दू मैंने रख दिया था, क्योंकि मैं जब भी सांभर बनाती हूँ उसमें चाहिए होता है मुझे कद्दू, तो ये यूज़ हो जाता है। अभी मेरे दो बार के सांभर के लिए बचा हुआ है, ठीक है। बैंगन है नहीं, सहजन की फली हमारे यहाँ मिलती नहीं है, और बाकी क्या डालेंगे, प्याज टमाटर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा सांभर और रोटी। ऐसा मम्मी को सांभर सुनते ही कह रही कि मम्मी डोसा बना दो या इडली बना दो। आज तो कूलर वूलर चलाने की जरूरत नहीं है ना तन्वी, है ना, है। अच्छा हो गया। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10 एंड हम लोगों ने खाना ना खा लिया है, बर्तन धुल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अब तैयारी है क्या करने की, सोने की। सोने की फिलहाल तो अभी तन्वी अभी उठी है, फिर भी इसे नींद आ रही है, आ रही नींद। सो फ्रेंड्स चलिए करते हैं आप, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, सी यू बोलते हैं। I hope.